जय हिंद। तो साथियों, आज है 17 मई 2022 और जैसे कि आप जानते हैं आज के दिन LIC का लिस्टिंग होने वाला था और लिस्टिंग हुई भी है, लेकिन काफ़ी फीकी लिस्टिंग हुई है LIC की। जैसे कि आप देख सकते हैं डिस्काउंट के साथ यह IPO आज शेयर बाज़ार में लिस्ट हुआ है। तकरीबन 8.5% से अधिक के डिस्काउंट के साथ ये IPO लिस्ट हुआ है। डिस्काउंट कहने का मतलब कि जहाँ पर इसका इश्यू प्राइस था 949 रुपये, उससे कम प्राइस पर यह IPO लिस्ट हुआ है। आप देख सकते हैं तकरीबन 867 रुपये के आसपास पर यह लिस्ट हुआ और अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो बढ़कर शेयर प्राइस 900 रुपये के आसपास गया है। हालांकि आगे कितना बढ़ेगा या घटेगा इसके बारे में इस वीडियो में आगे हम लोग तफसील से बात करेंगे, लेकिन हमें यहाँ यह समझना ज़रूरी है कि आखिर यह IPO डिस्काउंट के साथ लिस्ट क्यों हुआ। मैंने भी इस IPO के लिए अप्लाई किया था, लेकिन मुझको इस IPO का अलॉटमेंट नहीं हुआ और मेरा पैसा रिफंड आ गया। तो आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं मैं इस मामले में लकी हूँ कि मुझको जो IPO डिस्काउंट में लिस्ट होने वाला था उसका अलॉटमेंट नहीं हुआ और मेरा पूरा पैसा वापस आ गया, लेकिन जो लोग इसमें अप्लाई किए थे। अब सवाल है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, जबकि LIC काफ़ी बड़ी नाम है। इस IPO को लेकर लोगों में काफ़ी क्रेज था। जैसा कि आप जानते हैं तकरीबन 21,000 करोड़ रुपये का यह IPO भारत का अब तक का सबसे बड़ा IPO था और माना जा रहा था कि लिस्टिंग भी इसकी काफ़ी दमदार होगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। हालांकि आप यहां देख सकते हैं तकरीबन 3 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ था IPO। सब्सक्रिप्शन के मामले में इसमें कोई कमी नहीं थी, खासकर पॉलिसी होल्डर्स की तरफ से भी ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन मिला था इस IPO के लिए और रिटेल कैटेगरी वालों की तरफ से भी इसमें अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था, लेकिन उसके बावजूद इसका लिस्टिंग गेन अच्छा नहीं मिला। अब इसके पीछे कारण क्या है, हम लोग उसके बारे में समझते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जब से यह IPO आया बाज़ार का सेंटीमेंट तो शुरू से ही बिगड़ा हुआ था और धीरे धीरे GMP इसका डाउन होते गया। GMP डाउन होते होते नेगेटिव में चला गया था, जिसकी वजह से IPO डिस्काउंट में लिस्ट हुआ है। अब सवाल है कि अभी जो लोग इसमें लॉस में हैं उन्हें क्या करना चाहिए, या जो लोग सिर्फ लिस्टिंग गेन पाने के उद्देश्य इसमें इस IPO के लिए अप्लाई किए थे उन्हें क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले ये बात हमें समझनी होगी कि यह जो IPO है लिस्टिंग गेन के उद्देश्य से अप्लाई करने के लिए था ही नहीं। शॉर्ट टर्म वालों के लिए तो यह IPO था ही नहीं, क्योंकि LIC का जो बिजनेस है, LIC जिस तरह का काम करती है उस हिसाब से IPO सिर्फ मीडियम टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म वालों के लिए है। तो अगर आपका उद्देश्य सिर्फ लिस्टिंग गेन पाने को था तो अभी तो आप नेगेटिव में चल रहे हैं, 2-4 दिन देख लीजिए। अगर 2-4 दिन में शेयर प्राइस थोड़ा भी ऊपर जाता है तो आप वहाँ पर बेच के निकल जाइएगा। या अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें अप्लाई किए थे, इस सोच के साथ इसमें अप्लाई किए थे कि नहीं मुझे इसमें कुछ समय देना है, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल समय देना है, तब तो आपके लिए बेशक कोई चिंता की बात नहीं है। आपके लिए सोने पर सुहागा होने वाला है LIC का IPO। बेशक आप बने रहिए, आने वाले समय में आपको ज़बरदस्त मुनाफा होगा और सरकारी कंपनी तो डिविडेंड समय समय पर मिलता ही रहेगा, इसलिए ज़्यादा कोई चिंता की बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। फिर भी अगर मन में कोई सवाल है, कोई भी कन्फ्यूजन है या आप कुछ नया जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।